कोरोना वायरस महामारी के चलते केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इस महामारी रोकने के लिए लड़ रहे हैं। प्रशासन के अधिकारी, पुलिस व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग और वरिष्ठ अधिकारी तथा सरकार के नेता नए नए बदलाव कर सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हरियाली अमावस के दिन चेक पोस्ट जिकौली बोरास घाट पर मां नर्मदा में आस्था की डुबकी के नाम पर नरसिंहपुर जिला और रायसेन जिले के नागरिकों ने प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। सुबह सुबह हजारों की संख्या में आस्था की डुबकी लगाते हुए सारे नियम कानून तोड़ दिए गए। जिले के कलेक्टर वेद प्रकाश द्वारा सीधे पुलिस प्रशासन को निर्देश करते हुए कहा गया कि नर्मदा घाटों पर बाजारों में जो भी प्रशासन के नियम तोड़ेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन हरियाली अमावस के दिन सारे नियम टूट गए। चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों द्वारा बताया गया कि प्रशासन की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। बड़ी बात सुबह ये भी देखी गई कि सुबह लगभग 7:30 बजे तक दोनों जिले के नर्मदा तटों पर कोई भी पुलिस व्यवस्था नहीं थी। आज हरियाली अमावस के दिन जिकौली चेक पोस्ट पर प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। लोग बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं। बार बार समझाइश करने के बाद भी नागरिक मान नहीं रहे। यहाँ सुबह सुबह आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में नर्मदा घाट के लोग स्नान करने आ रहे हैं। ये सीमा नरसिंहपुर जिला और रायसेन जिला की सीमा दोनों से ये पुल बना हुआ है। लोग यहाँ प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा कैमरा बता ना, थोड़ा देखो, यहाँ करो, देख सकते हैं कि कोई भी प्रशासन के नियम को नहीं मान रहा है। अब जबकि कोरोना वायरस संक्रमण अपने आप फैल रहा है, देखते हैं एक दो घंटे में प्रशासन की क्या व्यवस्था होती है। लेकिन इतनी समझाइश के बाद भी एक भी कोई भी नागरिक प्रशासन के नियम को मानता दिखता नजर नहीं आ रहा।